पाप संसार में प्रवेश करते। आदम और ओके लुगाइन परमेश्वर के द्वारा बनाए गई। वो सुंदर बगीचा में रहत रहत बहुत खुश होती। उनके में से कोई भी कपड़ा नहीं पहनत होती। फिर भी यह बात से उनके में कोई शर्म आतनी होती। काया कि संसार में पाप नहीं होती। ही हमेशा वो बगीचा में घूमत होती और परमेश्वर से बात करत होती। मगर वो बगीचा में एक सांप रहत होती और वो बहुत चालाक होती। ओने वह बाई से पूछिस, का सच्ची में परमेश्वर ने तुम्हारे से यो बगीचा के कोई भी झाड़ के फल खान को मना करीस है? वह बाई ने उत्तर दी, परमेश्वर ने हमारे से कही है कि हम हु भले और बुरे के ज्ञान के झाड़ को छोड़ के कोई भी झाड़ को फल खा सकतन। परमेश्वर ने हमारे से कही है कि अगर तुम हु फल खाने या ओ को हाथ लगाओ तो तुम मर जाओ। उस सांप ने बाई को जवाब देस, यो सच नो है, तुम नहीं मरो। परमेश्वर जानते कि जसोच तुम हु फल खाओ तुम परमेश्वर के सार के हो जाओ और ओके सार कोच भली और बुरी बात को समझन लगो। वह बाई ने देखी कि हु फल मनभाऊ होतीस और स्वादिष्ट दिखत होतीस। वह भी समझदार बनो चाहत होती। एक गुना ओने फल को तोड़ के खा ले। फिर ओने अपने दूल्हा को जो ओके संग होतीस हु फल खान को दे और ओने भी खा ले। अचानक उनकी आँखी खुल गई और उनको मालूम भई गई कि ही नंगे हत। उनने पत्ता ना उनको एक संग सी के कपड़ा बनाए के अपने आंख को झाकन की कोशिश करीन। फिर मानुष और ओके लुगाइन ने वह बगीचा में घूमत घूमत परमेश्वर की आवाज को सुनीन और ही दो ही परमेश्वर से लुक गईन। तब परमेश्वर ने मानुष को हाका मारिस कि तू कहाँ हस। आदम ने जवाब देइस, मैंने तो को बगीचा में घूमते हुए सुनेम और मैं डर गएम, काया कि मैं नंगो होतेम, एके गुना मैं लुक गएम। तब परमेश्वर ने पूछिस, तो को कौन बताइन कि तू नंगा हस? का तूने हु फल खाएस? जे को खान के गुना मैंने तो को मना करे होतेम। मानुष ने जवाब देइस, तूने मोको जो या बाई को दे हस एनेच मोको हु फल दे। तब परमेश्वर ने बाई से पूछिस, तूने यो का करेस? वह बाई ने बोली, सांप ने मोको बहकाइस। परमेश्वर ने सांप से कहिस, तू श्रापित हस, तू अपने पेट के बल चलबेन और माटी चाटबेन। तू और या बाई एक मेक से नफरत करो और तोरी संतान और ओकी संतान भी एक मेक से नफरत करे। या बाई की संतान तोरे मुंडी को कुचले और तू ओकी एड़ी को चाबबेन। तब परमेश्वर ने बाई से कहिस, मैं तोरे लड़का बच्चा पैदा होन के समय दुख को बढ़ाऊं। तू अपने दूल्हा से अपेक्षा कर बेन और हु तोरे पे अधिकार रखे। परमेश्वर ने मानुष से कहिस, तूने अपने लुगाइन की सुनेस और मोरी आज्ञा नहीं मानेस। एक गुना जमीन श्रापित है और तो को फसल उगान के गुना बहुत मेहनत करन की जरूरत है। अब तू मर जा बेन और तोरो शरीर माटी में मिल जाए। हु मानुष ने अपने लुगाइन को नाम हवा रखिस, जे को मतलब है जीवन देन वाली। काया की वह सपाई जाति नाउन की आदि माता होए और परमेश्वर ने आदम और हवा को जानवर को खाल से बनो कपड़ा पहना देस। तब परमेश्वर ने कहिस, अभी भलो और बुरो को जान के मानुष हमारे सार को भय गईस है। एके गुना उनको हु जीवन के झाड़ को फल
नी खान दे पाईजे कि ही लोग हमेशा के गुना जिंदे रहेत। एके गुना परमेश्वर ने आदम और हवा को वो बगीचा से बाहर निकाल देस और परमेश्वर ने कोई को भी वो जीवन को झाड़ को फल को खान से रोकन के गुना बगीचा के आनजान के द्वार पे शक्तिशाली स्वर्गदूत को पहरेदारी पे बैठा देस।